हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूरिन के प्रॉब्लम के बारे में। अगर मान लीजिए किसी का अचानक से पेशाब आना रुक जाता है तो उसका क्या इलाज होता है, ये क्यों होता है, इस होने का कारण क्या होता है, आखिरकार क्यों पेशाब रुक जाता है पेशेंट का, इसका क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कारण होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है वो सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नाल के लिए। कोई भी दवा अपनी सिना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये पेशाब रुकने का कारण क्या होता है, कि अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट का यूरिन रुक जाता है, यूरिन नहीं पास होता है, तो उसका कारण क्या होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले काजिज के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में तो पता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कारण पता चल गया तो इससे हम इलाज के बारे में भी आपको बता देंगे कि इसका इलाज क्या होता है। तो महत्वपूर्ण किसी भी डिजीज के बारे में काजिज बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है। चलिए शुरुआत करते हैं कारण के बारे में। दोस्तों, अगर किसी का यूरिन रुक जाता है, पास नहीं होता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये प्रॉब्लम होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग लेस वाटर, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उस तरह के लोगों में भी ये देखा जाता है कि उनका पेशाब रुक जाता है। डायरिया के भी कारण देखा जाता है कि लोगों का यूरिन पास नहीं होता है, जैसे कि जो स्टूल होता है, स्टूल के ही रास्ते सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाता है और इसकी वजह से यूरिन पास नहीं होता है। अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो किडनी में सूजन होने के कारण भी देखा जाता है कि उनका यूरिन पास नहीं होता है। या फिर अगर मान लीजिए किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका यूरिन पास नहीं होता है। या फिर अगर मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन खा लिया है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आपने डायरिया का मेडिसिन खा लिया, आपके पेट में कब्ज बना हुआ था और आपने ज्यादा डोज में डायरिया का मेडिसिन खा लिया। अब देखिए, पेट साफ होने वाली दवा आपने खा लिया, उनको डायरिया हो गया, पेट तो साफ होने लगा लेकिन स्टूल दिन भर में दो बार तीन बार चार बार पास करने जा रहे हैं, तो सारा का सारा जो पानी होता है वो स्टूल के रास्ते बाहर निकल जा रहा है। तो कुछ दवाइयों के खाने के द्वारा भी देखा जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है जिसकी वजह से स्टूल के रास्ते सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाता है और यूरिन पास नहीं होता है। और आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, अनुमान किया ही होगा, कभी ना कभी आप लोगों ने अनुमान किया होगा कि अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो सारा का सारा जो लिक्विड होता है, जो पानी हम लोग पीते हैं, वो यूरिन के रास्ते नहीं निकलता है, वो स्टूल के रास्ते सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशाब आना पेशेंट का रुक जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सिम्टम के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक एक करके सभी दवा के बारे में जानेंगे। तो आप लोग बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि सारी दवाइयों के बारे में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। दोस्तों, अगर किसी का पेशाब रुक जाता है तो उनमें बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि यूरिन का कमी हो जाना, यूरिन पास नहीं होना, जो हमारा माउथ होता है वो सूख जाता है, एकदम ड्राई माउथ हो जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है और जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा पास नहीं होता है और इसीलिए इसका जो कलर होता है वो नॉर्मल कलर से चेंज होकर के इसका कलर डार्क हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। तो दोस्तों, इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कि अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो सिम्टम में देखे जाते हैं लेस यूरिन, ड्राई माउथ, वीकनेस, डार्क यूरिन, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। मतलब यूरिन, लेस यूरिन का मतलब यूरिन कम आना, माउथ सूखा हो जाना, उसके बाद शरीर में कमजोरी महसूस होना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये इतने प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो बस आप लोगों को मैंने कुछ अभी नहीं बताया है, बस केवल और केवल दो बातें बताए हैं कि अगर किसी भी पेशेंट का यूरिन आना रुक जाता है, पेशाब आना रुक जाता है, तो पेशाब के रुकने का कारण क्या होता है। पहली बात तो आप लोगों को मैंने ये बताया है, फिर दूसरी बात आपको बताया है कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। ये दो बात आप लोगों को पूरी तरह से और एकदम अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके लिए आप लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि कारण और लक्षण छोड़िए, बस केवल और केवल इलाज बताइए। तो चलिए हम लोग अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, कोई भी दवा देने से पहले या फिर कोई इलाज करने से पहले सबसे पहला काम करना होता है, जो पेशेंट का यूरिन रुका हुआ है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, उस तरह के लोगों को पहले दवा नहीं दिया जाता है, ना कोई ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहला उनका काम किया जाता है उनके ब्लड प्रेशर को नापना।
उनके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है कि क्या उनका ब्लड प्रेशर लो है या फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई है। अगर लो है तो उसके अकॉर्डिंग दवा चला जाएगा, अगर हाई है तो उसके अकॉर्डिंग दवा चला जाएगा। ये बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर के ही माध्यम से उस पेशेंट को दवाइयाँ चलाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो आईवी फ्लूड चढ़ाया जाता है। शरीर में जब पानी की कमी हो जाएगा, यूरिन पास नहीं होता है इसकी वजह से, तो इसके लिए आईवी फ्लूड चढ़ाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी का पेशाब अगर आना रुक जाता है तो रुकने का कारण क्या होता है, तो सबसे पहला कारण आप लोगों को मैंने क्या बताया है, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पेशाब आना रुक जाता है तो शरीर में जब पानी की कमी हो जाता है, जब हम पानी बहुत कम पीते हैं तो इसकी वजह से देखा जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूड चढ़ाया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आईवी फ्लूड तुरंत नहीं चढ़ाया जाता है, आईवी फ्लूड को तुरंत नहीं पेशेंट को चढ़ाया जाता है, क्योंकि आईवी फ्लूड में पाया जाता है साल्ट। क्या पाया जाता है? साल्ट पाया जाता है। तो इसमें जो साल्ट पाया जाता है, आरएल जो होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, ब्लड प्रेशर अगर हाई नहीं है, लो है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो, ठीक, तो नॉट लो नहीं, नॉट हाई, ठीक। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई ना हो, लो रहे और शरीर में डिहाइड्रेशन हो, तो इसको ये मेंटेन करने का काम करता है, ठीक। लो बीपी को भी मेंटेन करेगा और डिहाइड्रेशन को भी मेंटेन करेगा। डिहाइड्रेशन को हिंदी भाषा में बोलते हैं शरीर में पानी का कमी हो जाना। ये बातें आपको समझ में आया ना, ये होता है आरएल। आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ये होता है। और इसमें बहुत सारे मैंने आप लोगों को आईवी फ्लूड में बताया हुआ है, एनएस बताए हैं, उसके बाद डीएनएस बताए हैं, उसके बाद आरएल बताए हैं, उसके बाद आप लोगों को D5 बताए हैं, D10 बताए हैं, इसी तरीके से बहुत सारे आप लोगों को आईवी फ्लूड के बारे में बताएं। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलिन, डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन, आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 का मतलब होता है इसमें डेक्सट्रोज 5% मिला हुआ है, D10 का मतलब होता है इसमें डेक्सट्रोज 10% मिला हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार के बोतल होते हैं, लेकिन पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस तरह के पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है, अगर लो है और शरीर में पानी की कमी है तब बोतल को चढ़ाया जाता है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। अब देखिए मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये जो होता है टर्मीन के नाम से फेमस होता है और ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आप दोनों रूट से लगा सकते हैं। इसको आप आईवी रूट से भी लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईवी रूट से ही लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन जब लगाते हैं तो नस में लगाते हैं आईवी वाला, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, मतलब इसको नस के अंदर लगाना है, वेनस के अंदर लगाना है। तो जब नस में लगाते हैं तो सिरिंज को जब लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, जब ब्लड आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ सही जगह पर नस में हमारा सिरिंज चला गया है, तो तुरंत ड्रग को डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं में। और ये जो ड्रग होता है डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है और पेशेंट को जल्दी से आराम मिलता है। तो इसीलिए इसको आईवी रूट से ज्यादातर लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएम से नहीं लगा सकते हैं, इसको आईएम से भी आप लगा सकते हैं। ये बातें समझ में आया ना, ये ऐसा मेडिसिन होता है, ये जो होता है दोस्तों टर्मीन इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोटेंशन कंडीशन में। अब जो नए छात्र हैं उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हाइपोटेंशन क्या होता है, तो उनको बता देता हूँ। हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन, दोस्तों हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ये दो बात आपको समझना पड़ेगा। और टेंशन का मतलब होता है बीपी ब्लड प्रेशर, और टेंशन का मतलब क्या होता है ब्लड प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेने लगते हैं तो क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम होना। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ है, ब्लड प्रेशर लो है, तो उस तरह के पेशेंट को टर्मीन इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तब कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है वो भी अभी आगे बताऊँगा। लेकिन
ये समझिए, हाइपोटेंशन लिखा गया है ना, तो अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया, ब्लड प्रेशर उनका लो है, तो उसको मेंटेन करने के लिए टर्मिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है, 2 cc विथ IV रूट, इस रूट से इसको लगाया जाता है, IV रूट से। चलिए बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल बना होगा कि अगर मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर नापा आपने और उनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उनका हाई है, तब कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का ये डायरेटिक्स इंजेक्शन होता है, जो कि लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। ये दोस्तों एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि इसको लगाने के बाद फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन जो लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, इसका टेबलेट भी आता है। समझ गए इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का यूरिन नहीं पास हो रहा है, पेशाब आना रुक गया है, पेशाब आने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केसेस में लेसिक्स इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे यूरिन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है और पेशेंट का यूरिन जो पास नहीं हो रहा था वो अच्छे से पास होने लगता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है, जब सारा यूरिन बाहर निकल जाएगा तो इसी के माध्यम से सारा का सारा साल्ट जो होता है ये बाहर निकल जाता है और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इनका मेन काम क्या होता है लेसिक्स इंजेक्शन का, इनका काम होता है दोस्तों कि ये हमारे शरीर में यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करते हैं। लेसिक्स इंजेक्शन का अगर आपसे कोई भी पूछ ले इनका काम क्या होता है, तो इनका दो काम होता है, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं और ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं। ये दो बात आपको पता चल गया, तो जान लीजिए सारी बात आपको पता चल गया। तो दोस्तों अगर किसी का यूरिन आना रुक गया है तो उसका क्या इलाज होता है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या लक्षण होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट करके जब आप बताते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके हर एक कमेंट से जान लीजिए एनर्जी मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने का भी कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है वो सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है, कंप्लीट थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।